गुड मॉर्निंग बच्चों, हमने अभी फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है। और फ्रैक्शन के बाद अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो आपने जो पढ़ा था 1/4, 1/6, ठीक है। और इस तरह से हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कौन सा डिनोमिनेटर होता है, कौन सा न्यूमरेटर होता है, ये आपको पता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो भी नंबर्स, जो भी फ्रैक्शंस 1 से कम है तो वो होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। मींस जैसे 1 के हमने कई पार्ट किए और उसमें से हमने एक पार्ट कंसीडर किया, मींस 4 पार्ट करने पर एक पार्ट कंसीडर करेंगे तो 1/4 होगा। 6 पार्ट होंगे और उनमें से 2 कंसीडर करेंगे तो 2/3 होगा, या हम 5 पार्ट कंसीडर करेंगे तो 5/6 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये नंबर्स लेते हैं या ये फ्रैक्शंस को लेते हैं। जैसे 6 फ्रैक्शन है, उसमें से 2 लेंगे तो 2/6 होगा, 2/3 नहीं होगा, 2/6 होगा। 2/6 और 5/6 या 4/6, जितने पार्ट्स होंगे वो डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स, और जो पार्ट्स हम कंसीडर कर रहे हैं वो पार्ट्स जो होंगे वो किसमें होंगे, न्यूमरेटर में। तो यही इसने बताया है कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं वो हमेशा 1 से कम होते हैं, मतलब एक होल है उसके पार्ट्स किए गए हैं और उससे कम ही होगा जो पार्ट होगा, उसका ही एक पार्ट हम कंसीडर करते हैं। फिर डिनोमिनेटर जो है वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को शो करता है जिनमें कि वो होल जो है टोटल डिवाइडेड है, जिसमें उस होल को हमने डिवाइड किया हुआ है। और न्यूमरेटर शो करता है कि जो पार्ट हमने कंसीडर किया है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे हम शेड करते हैं, जितना पार्ट शेड किया वो पार्ट न्यूमरेटर में आएगा, या जितना पार्ट जैसे 4 में से आउट ऑफ 4 हमने 3 पार्ट्स लिए तो 3 न्यूमरेटर में आएगा। और जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जितने में हमने उसको डिवाइड किया, यानी 4। इसी तरह से न्यूमरेटर जो होता है वो हमेशा क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर से छोटा ही होता है, उससे बड़ा नहीं होता, ठीक है। इट मीन्स कि 1/2, 1/4, 2/5, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो जिसमें न्यूमरेटर जो है वो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। आप अपने मार्क्स में भी देख सकते हो कि हमेशा उसमें टोटल नंबर कितने होते हैं, 100 होते हैं या 20 होते हैं, जितने भी होते हैं। तो उसमें से जैसे 100 है अगर, तो 100 में से आउट ऑफ 100 70, 90 जितने भी मार्क्स आपको मिलते हैं, इवन 99 तक मार्क्स मिलते हैं, तो 99/100 हम लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात आती है, कौन से फ्रैक्शन होते हैं जो इम्प्रॉपर होते हैं। तो ऐसे फ्रैक्शन जो हमेशा 1 से बड़े होते हैं, मीन्स 1 और उसके साथ एक और। अब इसको समझने के लिए हम देखते हैं, मान लीजिए आपके पास 5 सर्कल्स हैं। अब ये 5 सर्कल्स को आपको 4 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, 1, 1, 1, 1, ये 4 तो 4 स्टूडेंट्स को दे देंगे। फिर एक बचेगा, उसको क्या करेंगे हम, 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और चारों को दे देंगे। तो इनको करेंगे हम इक्वल पार्ट में डिवाइड, ठीक है। तो ये 1 और ये 1/4, ठीक है, 1/4 है ना, 1 and 1/4 एक को मिला। तो अब हम क्या करेंगे कि चूंकि हमें 1 को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो ऐसे ही हम इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इक्वली। तो ये 4 पार्ट्स और ये 5 पार्ट्स हो जाएंगे, तो 5/4, यानी सबको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। जितने भी ये सर्कल्स हैं इनको हमने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने किए, इसके 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। यहां पर 1, 2, 3, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी हम इनको 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं, और इसमें से एक को क्या मिल रहा है, इसमें से 5 पार्ट मिल रहे हैं, ठीक है। अब क्लियर है सबको। तो इस तरीके से जो भी फ्रैक्शन होता है और जिसमें कि हमेशा न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिनमें क्या हो, न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, ठीक है। अब इसी फ्रैक्शन को, यही जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जब हम इसको, जब यहां पर 5/4 है, ठीक है, 5/4 को हम 4 से 5 को हमने डिवाइड किया, ठीक है। तो 4 1 4, तो 5-4 और यहां पर 1 आएगा, ये रिमाइंडर 1 बचा, और ये क्वेश्चन भी 1 है।
तो वन क्वोशेंट, यहां पर क्वोशेंट हम वन लेंगे और यहां पर रिमाइंडर वन लेंगे और अपॉन डिविजर, ठीक है। तो ये इसको हम पढ़ेंगे वन साइडेड वन बाय फोर, ठीक है। तो वन साइडेड वन बाय फोर ये क्या हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन। इसमें क्या क्या है, एक तो होल है वन पूरा होल और ये है पार्ट। तो होल के साथ जब हम पार्ट को लेते हैं दैट इट विल कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये तीनों फ्रैक्शंस आपको मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे। और अब इनको एक छोटी सी चार लाइन मेरे पास मैंने लिखी है और ये चार लाइन अगर आप याद कर लोगे तो आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा, आप कभी भूलोगे नहीं। जैसे कि आपने किसको याद किया है, माइनस और प्लस वाली जो प्रॉब्लम थी ना आपकी, उसको आपने याद किया होगा मुझे लगता है। तो उसी तरह से आप इसको भी याद कर लें और आपको ये हमेशा याद रहेगा। लेस देन वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। एंड मोर देन वन, आपने देखा मोर देन वन क्या होता है, मोर देन वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये मोर देन वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और फिर उसके बाद व्हेन वी टेक होल एंड अ पार्ट, देन इट विल मेक का मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाता है, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, फर्स्ट लाइन आपकी है लेस देन वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन लेस देन वन होता है। दूसरा मोर देन वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब जो एक से ज्यादा हो वो कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और व्हेन वी टेक होल एंड अ पार्ट, जब हम एक होल और एक पार्ट को लेते हैं तो इट विल मेक अ मिक्स फ्रैक्शन। तो ये क्या बनाता है, मिक्स फ्रैक्शन बनाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से इसको लर्न कर लेना चाहिए ताकि आपको तीनों फ्रैक्शंस अच्छी तरह से लर्न हो जाए। थैंक यू।